सो देयर इज अ वेरी फेमस ब्लॉगर जिसके मुंह से मैंने एक लाइन सुनी थी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग द स्टोरी शो द स्टोरी. मतलब कुछ चीज़ बताने की जगह आप दिखाओ. और व्लॉग चैनल पर ये चीज़ परफेक्टली अप्लाई होती है. तो अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, मैंने इस वीडियो को शूट करने से पहले कैमरा ऑन किया, माइक लगाया, माइक में वायर कनेक्ट करी, बटन दबाया और बोलना स्टार्ट किया. और अगर यही मैं आपको इसको दूसरे तरीके से दिखाऊं, शो करूं, तो देखो. अब ये जो टेक्निक है शो डोंट टेल, ये हम बहुत जगह देखते हैं. मतलब हर स्टोरी को बताने की जरूरत नहीं है कि अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ. कुछ स्टोरी, कुछ चीज़ें बताओ और कुछ चीज़ें सिर्फ दिखाओ, तो उससे एक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है. एक ये चीज़ भी होगी कि आपकी वीडियो का थोड़ा टाइमिंग होगी, वो शॉर्ट्स जल्दी कट होंगे, तो उससे ये फर्क भी पड़ेगा, लेकिन देखने वाले को अच्छा लगेगा. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 टिप्स मेरी तरफ से व्लॉगर्स के लिए. अगर आप लोग स्टार्ट करने वाले व्लॉग चैनल या फिर स्टार्ट कर चुके हो, मैं एज अ यूट्यूबर आपको क्या टिप दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी व्लॉगिंग करी है. बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं करी, कभी कभी करी है, कभी नहीं करी, ऐसे व्लॉग करें. तो मैं अपने एंड से आपको क्या टिप दे सकता हूँ एज अ यूट्यूबर, इस वीडियो में आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे. नंबर 1 टिप, ये चीज़ सब करते हैं स्टार्टिंग में, 1, 2, 3, 4, 5 वीडियोस तक करते हैं कि वो असली नहीं रहते हैं और उनको असली दिखना चाहिए, बी रियल. अब इसका क्या मतलब है, जैसे कई सारे लोग, मैंने भी करा है स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग कैमरा पकड़ते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा शो करेंगे, ऐसा प्लान करेंगे, चीज़ें प्लान करके करते हैं. अपना बिहेवियर भी प्लान्ड, हमारा बिहेवियर भी प्लान्ड होता है कि हम ऐसे बिहेव करेंगे चीज़ों को लेकर, ऐसा बोलेंगे. ये सब चीज़ें प्लान करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. बाय टाइम अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो, आप हफ्ते में 3 व्लॉग डालते हो, तो आपको आगे जाके ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. तो स्टार्टिंग से इस चीज़ को ध्यान रखो कि बी रियल. रियलिटी एक ना एक दिन सामने आएगी, तो फेक दिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है. स्टार्टिंग से अपना बोलने का, अपना रहने का, सब चीज़ें रियल रखो. बाय टाइम वो चीज़ें अपना आप इम्प्रूव होंगी, चेंज होंगी. अगर कुछ कमी भी होगी वो अच्छी होगी, बेटर होगी. तो स्टार्टिंग में एक चीज़ ध्यान रखना, बी रियल. सेकेंड थिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगती है, वो है कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस. अगर हम लोग बात करें पर्टिकुलरली व्लॉगिंग को लेकर, स्पेशली व्लॉगिंग को लेकर, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता भाई. अगर आपने महीने में एक व्लॉग डाल रहे हो, हफ्ते में एक व्लॉग डाल रहे हो, ऐसा डाल रहे हो, और वहीं आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो वो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर रह जाओगे, वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे. डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्लॉगिंग में. आप किस टाइप की व्लॉगिंग करते हो ये भी बहुत मैटर करता है. आप किस टाइप की वीडियोस बनाते हो, व्लॉग में भी डिफरेंट टाइप होते हैं वैसे, ठीक है. अगर आप डेली व्लॉगिंग टाइप कर सकते हो तो वही मैं आपको सजेस्ट करूँगा, नहीं तो अल्टरनेट डेज में व्लॉगिंग करो. क्योंकि कंसिस्टेंट रहो जो भी आप पैटर्न चूज़ करते हो. अगर आप 2 दिन का पैटर्न चूज़ करते हो, 2 दिन में एक व्लॉग डालूंगा, तो उस पर कंसिस्टेंट रहो, कोई गैप मत लो. अगर आप पर डे का सोच रहे हो कि डेली व्लॉगिंग करूँगा, तो डेली व्लॉग में भी कंसिस्टेंट रहो. अगर मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊं, तो सौरभ जोशी, मुझे याद नहीं आ रहा कि सौरभ जोशी ने अभी तक एक भी दिन छोड़ा होगा अपने यूट्यूब करियर में. जब से उसने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तब से उसने एक भी दिन शायद ही व्लॉग ना डाला हो, जो मुझे नहीं लगता ऐसा किया होगा उसने, बट नहीं किया है. तो सौरभ जोशी ने एक भी दिन व्लॉग नहीं डाला, ऐसा दिन नहीं आया जब उसने व्लॉग नहीं डाला. 2 या 3 साल हो गए सौरभ जोशी का इस चैनल स्टार्ट करे हुए, और अभी तक उनके चैनल पे बहुत सारे व्लॉग्स हैं. तो अगर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना कि कंसिस्टेंसी आपको यहाँ से यहाँ ले जाएगी. तो बी कंसिस्टेंट. तीसरी हमारी टिप आती है ऐसी जो आपके व्यूअर्स को देखने में और ज़्यादा अच्छी लगेगी आपके व्लॉग के अंदर, वो चीज़ ये है. आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, और हर कोई कर सकता है. मल्टीपल एंगल्स यूज़ कर सकते हो. आप कुछ जा रहे हो तो एक एंगल से मत दिखाओ. आप कहीं चल के आप ग्रोसरी लेने जा रहे हो तो उसको अलग अलग एंगल से दिखाओ. ऐसा नहीं कि सिंपल व्लॉग करते हुए जा रहे हो बस, ऐसे नॉर्मल. आप चाहो अगर उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, तो फ़ोन या फिर जिससे भी व्लॉग कर रहे हो कैमरा साइड रख दो और वहाँ से चल कर जाओ. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग बना देगा आपके व्लॉग को. इन चीज़ों को अगर आप ऐड करोगे, तो आप अपने कहीं ना कहीं आप अपने कॉम्पिटिटर से थोड़ा ऊपर हो सकते हो. तो इसको ऐड कर लेना. मैं अपने व्लॉग्स में खासकर करा करता था स्टार्टिंग में. बाद में अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो, तब थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट स्टार्टिंग में आप लोग कर सकते हो. और ये ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, चल जाएगा और अच्छा लगता है देखने में. इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप जब व्लॉग कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल व्लॉग कर रहे हो, तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइड आपका एंगल हो. मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका चीज़ें दिखे, आप कहाँ पर हो, सामने वाले को जो आपकी वीडियो देख रहा हो ऐसा फील हो कि वो उसी जगह पर मौजूद है.
ठीक है, जैसे हमें वाइड दिखते हैं ना आंखों से, वैसे ही आपका कैमरा भी उतना ही वैसे ही वाइड हो, अच्छा खासा वाइड हो, कि सामने वाले देखने वाले को सिर्फ आपका चेहरा नहीं वो दिखे जो आपके आसपास भी हो रहा है, वो दिखे जो आपके आसपास चल रहा है। हमारी फोर्थ जो टिप आती है ये एक बहुत ही ज़्यादा हैक टाइप बोलूँगा मैं, जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। स्पेशली स्टार्टिंग जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और जो आगे बढ़ रहे हैं अभी ग्रोइंग स्टेज में उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्या होता है, यूज़ समवन और समथिंग टू गेट अटेंशन या फिर टू ग्रो, ऐसा बोलूँगा मैं। अब इसमें क्या है, जैसे मेरे पास मेरा फ़ोन, ठीक है मैं एग्जांपल फ़ोन का देता हूँ आपको, जैसे अपने पास ये आईफोन 13 प्रो है। अब मेरे को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट को ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं व्लॉगर हूँ, मैं इसके ऊपर कहीं ना कहीं एक व्लॉग बना सकता हूँ। मेरा आईफोन टूट गया, या फिर बॉट न्यू आईफोन, या फिर आईफोन स्टोर में देने जा रहा हूँ, या सेलिंग माई आईफोन, ऐसा कुछ टाइप व्लॉग्स बना सकता हूँ। और इस प्रोडक्ट के ऊपर, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, ऐसे आप काफ़ी सारी चीज़ें जो ऑलरेडी लोग जिसके बारे में जानते हैं उसको कहीं ना कहीं अपने टाइटल अपने थंबनेल में डाल दो, भले क्लिकबेट टाइप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंदर उसका कंटेंट होना चाहिए, वो पार्ट होना चाहिए, चाहे वो एक आईफोन हो, चाहे वो कोई जगह हो जहाँ पे आप घूमने जा रहे हो, चाहे वो केदारनाथ हो, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सिर्फ, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो मनाली हो, चाहे वो गोवा हो, कोई भी जगह हो, कोई जगह, कोई इंसान, या फिर कोई प्रोडक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में हो सकता है ज़्यादा लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, ज़्यादा लोग आपकी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आप क्या कर रहे हो वो नहीं जानना चाहेंगे। अगर आप इन चीज़ों को इंक्लूड कर दोगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि वो उनसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे कि एक आईफोन या फिर कोई जगह जहाँ पर वो घूमना चाहते हैं वो क्लिक करेंगे, वो वॉच करेंगे उस जगह के लिए। लेकिन टाइम के साथ साथ उनको पता भी नहीं चलेगा, वो आपसे भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर जाएंगे, और फिर धीरे धीरे करके वो आपके व्यूअर बन जाएंगे। तो ये एक फ़ायदा है जो आप उठा सकते हो कोई जगह, कोई चीज़, या फिर किसी इंसान का व्लॉग्स में। हमारी जो लास्ट टिप आती है वो ये है कि स्टार्टर्स के लिए, खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका लेवल बढ़ जाएगा, वो ये है कि स्टार्टिंग में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगर्स को फॉलो करो, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके जिस टाइप के आप व्लॉग्स बनाना चाहते हो, जो आपके फेवरेट व्लॉगर्स हैं उनके व्लॉग्स वॉच करो, एक के नहीं, दो के नहीं, तीन चार के करो और करते रहो। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप कुछ चीज़ें सीख, कुछ नहीं बहुत सी चीज़ें सीखोगे, स्टोरी टेलिंग सीखोगे, कैसे स्टोरी बनाई जाती है, एक उनका नज़र आएगा वो कैसे बोलते हैं, उनके डायलॉग कॉपी करने को नहीं बोल रहा हूँ, इंस्पायर होने को बोल रहा हूँ। आप टाइम के साथ कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपने अंदर लेना स्टार्ट करोगे, अपने व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैं कहीं ना कहीं इन चीज़ को ऐड कर सकता हूँ। और वो जब इतने ऊपर लेवल पर है और आप अगर यहाँ पर भी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप में भी वो इंप्रूवमेंट आएगी, आपके व्यूअर्स को भी वो चीज़ पसंद आएगी, बोल सकते हैं कई लोगों की यार कॉपी लग रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन बाय टाइम आप एक अपना स्टाइल डेवलप कर लोगे। ये चीज़ मैंने खुद से पर्सनली करी है, स्टार्टिंग में मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि बिया बाइसेप्स की कॉपी या फिर किसी और की, ये ऐसा कुछ, मतलब बोलने का स्टाइल थोड़ा बोलने का लगता था, बट बाय टाइम मैंने अपना अपना डेवलप कर दिया, आज के टाइम पर मुझे शायद ही कोई ऐसी चीज़ें बोलता है। तो ये होता है स्टार्टिंग में, आप किसी ना किसी को कॉपी करोगे, इंस्पायर होंगे, लेकिन बाय टाइम आप अपना एक स्टाइल डेवलप कर लोगे, और वो चीज करने के लिए आपको औरों के ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, जिससे आपका कंटेंट भी इंप्रूव होगा। तो ये चीज जरूर करना। और इससे एक और फायदा है जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जस्ट मेरे दिमाग में आया कि आपको ट्रेंड का भी एक आइडिया होगा। ट्रेंड चलता है व्लॉगिंग में, बहुत सारी चीजों का ट्रेंड चलता है, कभी कोई प्रोडक्ट आया तो व्लॉगर्स हर कोई व्लॉगर उसके ऊपर कॉन्टेंट बना रहा है, कभी कोई सीजन होता है पर्टिकुलर तो वहां पर घूमने जा रहे लोग, तो आपको एक ट्रेंड का भी आइडिया होगा और आप भी ट्रेंड फॉलो कर सकते हो, तो यह भी आपका एक फायदा है। तो गाइज़ ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए 5 टिप्स जो व्लॉगर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, अगर फिर आप व्लॉग चैनल स्टार्ट करने वाले हो। मैंने भी व्लॉग चैनल स्टार्ट किया था और उन्हीं सब चीज़ों को देखकर, यूट्यूब को इतने टाइम से ऑब्जर्व कर ये 5 टिप्स मैंने इंपॉर्टेंट समझे और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, फिर तब तक के लिए टाटा।